बहन साहब आपकी सब्जी। ये फ्रेश तो है ना भैया? हाँ जी बहन साहब। क्या हुआ भैया, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं बहन साहब, कुछ नहीं हुआ। अरे भैया, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं बहन साहब, कोई बात नहीं है। देखिए भैया, आप हमारे यहाँ पर सालों से सब्जियाँ देने के लिए आ रहे हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आप काफी हंसमुख इंसान हैं, हमेशा खुश रहते हैं और हंसते खिलखिलाते रहते हैं, लेकिन आज आपके चेहरे पर एक अलग सी उदासी है जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। अगर कोई बात है या कोई परेशानी है तो आप बेझिझक बता सकते हैं। वो क्या है ना मैम साहब, बहुत दिनों से ना मेरी बेबी की तबीयत खराब थी और मुझे लगा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि उसका ऑपरेशन होगा जिसके लिए 15,000 रुपये चाहिए, और आपको तो पता ही है कि मैं जैसे तैसे खर्चे से पैसे बचा के गांव भेजता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है 15,000 रुपये करना, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 15,000 रुपये कैसे करूँ। सुनकर काफ़ी दुख हुआ कि आपकी बीवी इतनी ज़्यादा परेशानी में है और आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वैसे आप यहाँ क्यों हैं? आपको तो अपनी वाइफ के पास होना चाहिए ना, गाँव में। जी मैम साहब, बस मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद की मेरी बस है, बस आप बचे थे सब्जी देने के लिए तो सोचा कि आपको सब्जी दे के मैं फिर निकल जाऊंगा गाँव। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर आपको मदद की किसी भी तरीके की जरूरत हो ना तो आप हमसे कह सकते हैं। इन सब्जियों के पैसे कितने हुए अब तक के? पैसे हुए मैम साहब आपके इस महीने के 1800 रुपये हो गए। एक मिनट, मैम साहब मेरे पास छुट्टे नहीं है। कोई बात नहीं भैया, आप तो आते जाते रहते हैं, फिर कभी देख लेंगे। ठीक है मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया मैं क्या कह रही थी, मेरे घर में ना बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं और हमारे घर में मीठा खाना कोई पसंद नहीं करता। मैं सोच रही थी कि आप सफर पर जा रहे हैं, आपके काम आएगी मिठाइयाँ, मैं पैक कर देती हूँ, आप रास्ते में खा लेना। ठीक है मैम साहब, पर थोड़ा जल्दी करना वरना मेरी बस लेट हो जाएगी। एक मिनट, मैं इन साहब से बोला था मैंने जल्दी आने के लिए, इतना टाइम लगा दिया। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, और आपके बाकी पैसे मैं आके लौटा दूंगा आपको। कोई बात नहीं भैया, अब आप लेट हो रहे होंगे, फटाफट से जाइए, और हाँ अपनी वाइफ का ध्यान रखना, और मदद के लिए बेझिझक हमसे बोल सकते हैं। ठीक है मैम साहब। बस निकल ना जाए, एक बार देखो क्या मैम साहब ने कौन सी मिठाई दी है। इतने सारे पैसे, और ये क्या है? ये सब कुछ मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपकी वाइफ के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़े या आप पैसों की कमी की वजह से अपनी वाइफ का इलाज ना करवा सके, इसीलिए मैंने इस मिठाई के डब्बे में 15,000 रुपए रखे हैं ताकि आप अपनी वाइफ का इलाज करवा सकें। और हाँ, पैसे लौटाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जब पैसे हों आप तब लौटा देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आप अपनी वाइफ का इलाज कराइए। सच में मैम साहब बहुत ही अच्छे हैं, आज के टाइम पे कोई किसी की मदद नहीं करता, पर मैम साहब ने मेरे लिए इतना सोचा, सच में भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे।